देश में बैंक घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां 5 मार्च को जनपद श्यामली में इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से दिन दहाड़े 18,37,000 रुपए की चोरी से हड़कंप मच गया था। वहीं चोरी की इस घटना में कोई और नहीं बल्कि बैंक मैनेजर ही चोर निकला है, जिसने शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए अपने ही बैंक के एटीएम को निशाना बनाया है। वहीं पुलिस ने 6 महीने बाद बैंक मैनेजर रोबिन बंसल को 14,36,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देश में हो रहे बैंक घोटालों में निवेशक अपने पैसे को निवेश करे तो आखिर किसके विश्वास पर करे, जब बैंक के मैनेजर ही खुद चोर निकलने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद श्यामली के इंडियन ओवरसीज बैंक, जहां पर अब से लगभग 6 महीने पहले बैंक मैनेजर रोबिन ने शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए अपने ही बैंक को निशाना बनाया था। वहीं बैंक मैनेजर ने एटीएम से रुपए निकालने के लिए बैंक के एक चपरासी को कुछ पैसे का लालच देकर अपनी प्लानिंग में शामिल किया था। वहीं अपनी प्लानिंग को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बैंक मैनेजर ने एटीएम मशीन को 2 दिन पहले ही बंद कर दिया था, जिसके बाद चोरी से 2 दिन पहले ही कंपनी को एटीएम खराब होने की सूचना देकर उसे ठीक करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। वहीं बैंक मैनेजर रोबिन ने एटीएम को ठीक करने के लिए बैंक के चपरासी को पहले ही अपनी प्लानिंग में हिस्सेदार बना रखा था। वहीं बैंक मैनेजर की है प्लानिंग सफल भी रही। वहीं शातिर बैंक मैनेजर ने एटीएम में पैसे रखने व निकालने की चपरासी को 2 दिन की ट्रेनिंग भी दी थी। वहीं ट्रेनिंग के बाद मैनेजर ने चपरासी को एटीएम मशीन का सीक्रेट पासवर्ड भी बता दिया था, जिसके बाद सिटी के बीचों बीच मेन रोड पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं दिन दहाड़े एटीएम से 18,37,000 रुपए चोरी घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 दिन पहले चेतन नाम के एक शख्स को जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने आज बैंक मैनेजर को 14,36,000 कैश के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शामली से न्यूज 7 के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर हो? नहीं। ये सब जो चपरासी है जो अभी फरार है, जो अभी पकड़ नहीं आया है, ये सब उसके द्वारा रचा गया है, मुझे इसमें उसके द्वारा फंसाया गया। पासवर्ड कैसे जो फंसाया गया? पासवर्ड तो आपके पास ही था एटीएम मशीन का। 2 पासवर्ड होते हैं, एक पासवर्ड मेरे द्वारा बताया गया था, दूसरा पासवर्ड के बारे में वो बताया। तो आपने कैसे फंसा दिया आपको? आप उस पर आरोप लगा रहे हो, जो पासवर्ड आप बता रहे हो तो आरोपी तो आप हुए ना। पासवर्ड हर दूसरे महीने या जब भी कोई अधिकारी की तब्दीली होती है वो बदलने की प्रक्रिया है। आपके द्वारा किस जो पैसे को कितने पैसे आपको मिले जो एटीएम से 18,37,000 रुपए निकाले गए थे, कितने आपने उसको दिए थे जो निकाल कर ले गया था लड़का? मैनेजर साहब, आपके द्वारा पासवर्ड किस व्यक्ति को बताया गया था आने वाला? अरे भाई, कितने पैसे पैसे की किस तरह से बंटवारा किया था आप लोगों? पैसे सारे शेयर मार्केट में जाने थे और ये उसी के द्वारा ही जाने थे। बैंक का पैसा शेयर मार्केट में जाने किसने कहा था आपसे? ये मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी, तो उस वजह से। किन लोगों ने दी थी धमकी आपको? जिनके मैंने नाम बोले हैं उसमें, उन लोगों के द्वारा। अच्छा रोबिन भाई, जिस समय घटना हुई आप सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहे हैं, आप घटना स्थल पे? मुझे बुलाया गया था, मुझे चपरासी द्वारा बुलाया गया था फोन कर। तो आप मैनेजर हो रहे हैं, आपका चपरासी आपको डरा धमका का बुला रहा है, ये कहां की बात हुई? नहीं, उसने डरा धमका के नहीं बुलाया मुझे। टोटल कितने रुपए निकाले गए थे? पैसे आपसे बरामद हो रहे? तो वो मेरे पास रखे हुए थे पैसे। 7 महीने तक पैसे आप ले रखे? क्योंकि मुझे जिस वजह से हुआ था तो ये वहीं जाने थे पैसे, क्योंकि मेरी वो जो धमकी थी अभी तक जारी थी कि वो पैसे मुझे वहाँ पहुँचाने थे। तो आप पहुँचाने थे आपको पैसे? शेयर बाजार से। 80 साल के 5/3/2018 को ये यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से लगभग 18.5 लाख की कैश निकाल दिया गया है इसे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। कुछ दिन पहले इसकी खुलासा हुआ था, एक बंदीगेड़ा का युवक गिरफ्तार हुआ था जो पहले टेम्पररी तौर पर काम करता था बैंक, उसके द्वारा मुंह पर पट्टी बांध करके आगे कैश पासवर्ड डाल के एटीएम से कैश निकाल कर ले जाने की घटना की है। जैसे पकड़ा गया बाद में पता चला मैनेजर के द्वारा ही इनको सिखाया गया है और मैनेजर फरार हो गया था।
तो काफी मेहनत के बाद दो अलग टीम गठित करने के बाद मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनसे 14,36,000 कैश बरामद हुआ है। वो बैंक मैनेजर जो आईओबी से भी वेरीफाई कर लिया गया है और एटीएम से ही निकाला गया कैश है। और उसमें पहले से मुझे एक बंदे पर जो शक था और कंफर्म हुआ, इसमें एक और उसी टेम्पररी बैंक में जो कर्मचारी है उसका भी लाइट में आया है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, उसका भी अब तलाश किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर। सर धमकी देने की बात की गई है कि मेरे को धमकी दी गई थी बैंक मैनेजर और किसी के द्वारा, उस संबंध में भी हम जाँच कर लेंगे। बैंक मैनेजर के द्वारा कहना ये कि इसमें इनके द्वारा जो MCX और शेयर बाजार और क्रिकेट सट्टा इस संबंध में तमाम जगह पे अपने पैसे लगाया, उसमें कर्जा हो गया इसके, और उस कर्जा को कराने के लिए इन्होंने ये लूट कांड, ये ATM जो चोरी कांड करवाया, उसमें इनको कोई जो MCX जो चलाते हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि धमकी दी है, वो वेरीफाई करने हैं तो हम जांच कर रहे हैं। सर बरामद क्या क्या हुआ अभी इनसे जो बरामद हुआ है 14,00,000।